Hey guys, very good morning all of you. कैसे हैं आप सभी लोग? I hope आप लोग अच्छे होंगे. हम भी अच्छे हैं. आज मैं और मैको सुबह जल्दी उठ गए हैं क्योंकि आज 1 बजे रात को सोए हैं और रात में बारिश हुई है, तूफान आया है और लाइट वगैरह तो बनी रही लेकिन यहाँ पे यार हॉल में सोए थे तो मच्छर वगैरह भी लग रहे थे, इस वजह से सुबह जल्दी ही उठना पड़ गया. और अभी हम जा रहे हैं दूध गर्म करने के लिए, मैंने रख दिया है साइड से, चाय बनने के लिए रख दी है. और आप सभी को देनी है एक बहुत बड़ी खुशखबरी, इस वजह से जो है ना आज का व्लॉग मैंने आज सुबह सुबह ही स्टार्ट कर दिया क्योंकि आज मैं सुबह से ही बहुत ज़्यादा खुश हूँ. मतलब रात में सोई थी नहीं ढंग से खुशी की वजह से. खुशी का कारण क्या है आपको बोलो. हेलो गाइस, मैं हूँ वैभव. और ये तुम्हारी मम्मा? अच्छा तुम्हारी छुटा हो नहीं यार, नहीं छुटा हो. सुबह नहीं जा, जब पार्टी में जाते हैं, जब लगा के जाते हैं मुझे. पार्टी में जाते हैं तभी लगाते हैं? ऐसे नहीं लगाते हैं? लगा दो फिर पार्टी में जाऊंगी ना मैं. नहीं कर, इनकी वजह से मेरे फेस पे बिंदी नहीं रहती है, हमेशा यही हटा देते हैं. रात में लगाओ तो कहेंगे रात में नहीं लगाते हैं, सुबह में लगाते हैं. सुबह लगाओ तो बोलेंगे नहीं पार्टी में जाएंगे तब लगाते हैं. तो चलिए चार बार बन रही है, पीते हैं चाय और बताते हैं आपको. काफ़ी दिनों से इस खुशखबरी का जो है ना वेट कर रहे थे. और ये जो खुशखबरी है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं इस खुशखबरी की गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रही थी. और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने दूध वगैरह गर्म करने के लिए रख दिया है. दूध में एक साथ सारा दूध मैं बॉयल करके रख लेती हूँ, उसके बाद चाहे मुझे चाय बनाना हो, शेक बनाना हो. चलिए आपको दिखाते हैं बाहर का माहौल. ये है बारिश के बाद दिल्ली की सुबह और सुबह के बज गए हैं 7:10 हो चुका है. तो रात में बारिश हुई है, अच्छा मौसम है अभी, बट ठंडक नहीं है. गर्मी अभी भी उतनी ही तेज़ है जितनी पहले थी, बट ये है कि बारिश की वजह से थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है. मतलब आंखों में चुभने वाली धूप नहीं है सुबह से ही. और जो है ना कार बारिश की वजह से अपने आप से ही साफ़ हो गई, मतलब इसको धुलना नहीं पड़ा. बारिश हुई और बारिश की वजह से साफ़ हो गई. एक्चुअली आजकल ऑफिस वगैरह जाने नहीं हो पा रहा है तो कार वगैरह गंदी हो जा रही है, हर रोज़ साफ़ नहीं हो पाती है. वैभव के पापा का काम बच गया. चलो तब तक मेरी चाय भी बन गई, दूध वगैरह डाल देती हूँ. SIX6. SEVEN. कहाँ क्या लिखा? ये फिल इन द ब्लैंक्स मतलब खाली जगह भरो. PIN पेन, BIN बेन, और ब्लैंक्स फिल इन द ब्लैंक्स. चलो करो. ट्यूशन का होमवर्क कराने के बाद यहाँ पर मैं वैभव को खाना खिला रही हूँ. वैसे वैभव अपने हाथ से खाना खा लेते हैं बट क्या है कि वो सब्ज़ी वगैरह बहुत कम थोड़ा थोड़ा सा ऐसे टच कर करके खा लेते हैं. जब मैं खिलाती हूँ तो प्रॉपर तरीके से सब्ज़ी वगैरह अच्छे से खिला देती हूँ, इसलिए मैं हमेशा
हाथ से ही खाना खिलाते हैं। वैभव के ट्यूशन का होमवर्क वगैरह कराने के बाद, खाना खिलाने के बाद दोपहर के बज गए हैं 2, और अभी मैं जा रही हूँ वैभव को ट्यूशन लेकर। अभी जो है ना आज का मौसम थोड़ा अच्छा है क्योंकि बारिश वगैरह हुई है, और ना 2 बजे के ट्यूशन के वक्त जो है ना बहुत तेज धूप रहती है, मतलब 45+ डिग्री टेम्परेचर जा रहा है दिल्ली का, गर्मी बहुत ज़्यादा तेज है। वैभव के ट्यूशन की टाइमिंग जो है ना 2 बजे से 3:30 बजे की है, तो काफ़ी ज़्यादा धूप रहती है। वैभव को ट्यूशन से वापस लाते वक्त मुझे दुकान वगैरह से या मार्केट से जो भी सामान लेना होता है मैं उस बीच ले लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे बार बार जाना और 3rd फ्लोर तक बिल्डिंग में चढ़ के जाना ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस वक्त मैं वैभव के लिए भी कुछ खाने के लिए कुरकुरे, चिप्स, जो भी खाना होता है, फ्रूटी वगैरह, वो भी ले रही हूँ, और दूध लेना था इस वजह से मैं दुकान में आई थी, तो दूध वगैरह भी ले रही हूँ। वैभव को ट्यूशन छोड़ने के बाद दूध वगैरह मैं ले आई हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा देख सकते हैं, एकदम से बादल बादल हो रहा है, ये कैसे हो रहा है बादल, और अच्छी चल रही है, बढ़िया मस्त हवा, इसलिए एसी वगैरह मैंने कर दिया है बंद, और अब जो है ना खिड़की दरवाजे सारा कुछ मैं खोल दे रही हूँ ताकि अच्छे से ठंडक आ जाए, और अगर बारिश हो जाती है तो बहुत ही अच्छा है। रात में तो बारिश हुई थी, अगर दिन में हो जाती है तो कम से कम अच्छी खासी ठंडक हो जाएगी। तो दूध वगैरह अभी मैं रख दे रही हूँ फ्रिज में, और बाद में इसको गर्म करूँगी, ओट्स वगैरह वैभव के लिए बनाऊँगी। अभी तो फिलहाल मैं इसको रख दे रही हूँ। अब लग रही है मुझे तेज से भूख, मैं जा रही हूँ खाना खाने। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूल।